नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा दुर्लभ जड़ी बूटी लेकर आया हूं जिसका नाम है हंसपदी, और दोस्तों इसे हंसराज नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसका बोटानिकल नेम है मडेरन हेयर्स फर्न। यह एक तरह से बहुत ही अच्छा दुर्लभ जड़ी बूटी माना जाता है जो कि अक्सर पत्थरों या कुआं खाई के बीच में पैदा होता है, मतलब बहुत ही दुर्लभ जगह पर यह उत्पन्न होता है। इसके पत्ते हंस के पैर की जैसा दिखाई देते हैं और इसका तना काले काले होते हैं जिस पर पत्ते लगे हुए होते हैं। दोस्तों अगर इसके तनाव से इसके पत्तों को निकाल दिया जाए तो इसके तना बिल्कुल बाल के जैसे दिखाई देने लगेंगे। ये देखिए दोस्तों यह पौधा बहुत ही शीतल तासीर का होता है और यह काफी नमी भूमि या जहां अक्सर पानी का रिझाव अधिक हो वहीं पर यह पैदा होता है। यह जड़ी बूटी जो है काई प्रजाति का है, जिस तरह से ये काई देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये देखिए ये छोटा है और इसी प्रजाति का ये भी है जो कि काफी बड़ा बड़ा होता है। दोस्तों यह एक जड़ी बूटी है जो कि पथरीले भूमि में पैदा होता है, जैसे कुआं के अंदर या फिर पत्थर की दीवालों में या पत्थर की चट्टानों में यह पैदा होता है अपने आप बरसात के दिनों में। एक तरह से दोस्तों यह जड़ी बूटी काई के प्रजाति का है। दोस्तों यह जड़ी बूटी हंसपदी शीतल स्वभाव का होता है, इसलिए इसके सेवन से पीलिया रोग दूर होता है, पेट के अंदर होने वाला जलन दूर होता है, पेट का दर्द दूर होता है, पाचन क्रिया मजबूत होता है। लेकिन दोस्तों जब तक यह हरा हरा रहता है तब तक इसका तासीर ठंडा होता है, लेकिन जब यही जड़ी बूटी सूख जाता है तो इसका तासीर जो है गर्म हो जाता है। दोस्तों इस हंसपदी को सुखाकर चूर्ण बनाकर शहद मिलाकर दमा रोग में खांसी रोग में सेवन करने से सीने के अंदर जमा हुआ कफ लैट्रिन द्वारा शरीर से बाहर हो जाता है। दोस्तों इस जड़ी बूटी का हर एक हिस्सा आयुर्वेदिक औषधि गुणों से भरा हुआ है। अगर दोस्तों किसी का बाल झड़ता हो उड़ता हो तो इसके पत्तों का चूर्ण तिल के तेल में पका कर बालों की जड़ में लगाने से बाल घना और मजबूत होता है, इतना फायदेमंद होता है। दोस्तों यह हंसराज हंसपदी का पौधा जड़ी बूटी। दोस्तों यह हंसपदी का पौधा खून को साफ करता है, जले हुए और फोड़े फुंसियों को ठीक करता है। दोस्तों यह हंसपदी का पौधा हृदय के लिए हितकारी है। दोस्तों यह जड़ी बूटी सूजन और वात के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों यह जड़ी बूटी कफ को छांटता है, दस्त लाकर पेट को साफ कर देता है, पेट के अंदर पड़े हुए गंदगी मलामत को बाहर कर देता है, जिसके वजह से पेट बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और तरह तरह से होने वाले बीमारी नष्ट हो जाते हैं इसके सेवन से। दोस्तों अगर किसी का गंजापन है तो हंसपदी के पत्तों को पीस कर घी मिलाकर गंजेपन यानी गंजे स्थान पर लेप करने से गंजापन दूर होता है। दोस्तों इसके फायदे और भी है कमाल के। अगर किसी स्त्री का मासिक महीना बंद हो जाए तो इस हंसपदी के चूर्ण के सेवन से मासिक महीना फिर से खुल जाता है, इतना फायदेमंद होता है। दोस्तों यह हंसराज हंसपदी का पौधा तो देख लीजिए, पहचान लीजिए। दोस्तों इसके पत्ते जो है हंस के पैर के जैसे दिखाई दे रहे हैं और यह पत्ते जिसमें लगे हुए हैं वह डंटल देखिए पतला पतला बालों जैसा दिखाई दे रहा है, काला काला। इसीलिए दोस्तों किसी किसी भाषा में इसे स्त्री का बाल भी कहते हैं। दोस्तों इसके पत्तों का स्वाद मधुर तीख कसाय होता है। दोस्तों आयुर्वेदिक में इसके फल फूल छाल जड़ सभी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका हर एक हिस्सा आयुर्वेदिक गुणों से भरा हुआ है। तो यह जड़ी बूटी स्वर सुधारक है, कंठ रोग के लिए भी काफी फायदेमंद है। अगर गले के अंदर किसी भी तरह का टॉक्सिल है, इन्फेक्शन है, जलन है, दर्द है, फोड़े फुंसी है
या फिर अल्सर है तो इसके पत्तों का सुखाकर पाउडर बनाकर यानी चूर्ण बनाकर 10 ग्राम शहद के साथ चाटने से गले के हर एक प्रकार का रोग ठीक होता है। दोस्तों, सर्दी खांसी जुखाम में काली मिर्च मिलाकर शहद मिलाकर काढ़ा बनाकर हंसपति को पिलाने से बहुत जल्दी फायदा होता है। दोस्तों, यह हंसपति नकसीर बीमारी के लिए भी फायदेमंद है। अगर किसी के नाकों से खून गिरता है तो वह हंसपति का पत्ता ले ले, 10 ग्राम सूखा चूर्ण और 5 ग्राम मुलेठी और 2-3 इलायची और गिलोई का सत्तू 2 ग्राम सबको मिलाकर मिश्री मिलाकर चटाने से नकसीर बीमारी 8-10 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो चलो दोस्तों, अब मैं आपको हंसपति का डोज बता देता हूँ। अगर इसका स्वरस निकालकर सेवन करते हैं तो 20 से लेकर 30 ml तक है, और अगर इसका चूर्ण बनाकर सेवन करते हैं तो 5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक है, और अगर इसका काढ़ा बनाकर सेवन करते हैं तो 50 ml से लेकर 100 ml तक है। इस तरह से दोस्तों हंसपति का उपयोग है। तो चलो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण जानकारी हम यही समाप्त करते हैं। अगर हमारी जानकारी लाभदायक हो, फायदेमंद हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक।